ये घर में सिक्योरिटी कैमरे की तरह आप लोग रख सकते हो, 180 डिग्री एंगल देता है। अंडर वाटर स्कूटर काफी सही टेक्नोलॉजी है भाई, एयर व्हील रोबोट, इसको दबाओगे तो आगे जाएगा। तो दीज आर रोबोट राइट? रोबोट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो भाई राइट नाउ मैं हूँ शेंजन, और आप लोगों को पता होगा शेंजन किसके लिए शेंजन जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक हब है, और सिर्फ चाइना का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आप लोगों को चाइना में देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, और छोटे से लेके बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक आप लोगों को बहुत चीप मिलने वाला है पूरे चाइना के अंदर। आज यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट विजिट करने वाले हैं, और आप लोग हमारे साथ लेके चलूंगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कैसा दिखता है, और किस तरीके से आप लोग क्या कुछ प्रोडक्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। सुना बहुत है मैंने भाई चाइना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत चीप है, तो देखा कभी नहीं था कि भाई इतने चीप इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे मिलते हैं। बाकी आज विजिट करेंगे तब देखते हैं कि भाई कितने चीप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा शेंजन सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो शेंजन सिटी है उसकी पॉपुलेशन अराउंड 18 मिलियन के आसपास, 90s के अंदर शेंजन सिटी की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो था वो अराउंड 50% से ऊपर था, और आज की तारीख में इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 0.3 है। 0.3, कैन यू इमेजिन, हमारे इंडिया का राइट नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अगर अपन देखते हैं तो 46-47% के आसपास है, और जिसमें से यूथ सबसे ज्यादा बेरोजगार है। मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, ना किसी इंसान को ब्लेम करूंगा, मे बी हमारी परिस्थिति इस तरीके से कि भाई हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। और ये जो कंट्री है चाइना ने बहुत फास्ट ग्रोथ किया है, बिकॉज पिछले 10-15 साल में चाइना ने इतना फास्ट ग्रोथ किया ना, इतना फास्ट पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया, और स्पेशली शेंजन यहाँ का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब बना है। और हम लोग कितने भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यूज कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं हम लोग चाइना का इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल अपने साथ में यूज कर रहे हैं। सही बता रहा हूँ गाइस, चाइना के आधे लोगों की जिंदगी तो है ना ये मेट्रो में खपत जाती है। आज तो हम लोगों को ज्यादा क्राउड नहीं दिख रहा यार चाइना में है ना, एक तो बंदा मेट्रो चेंज करने में इधर से उधर जाने में ही खपत गया। मैं तो भाई यहाँ पे आधा दुखी तो मैं मेट्रो से हो गया। अभी ये मेट्रो आई है हमारी, अभी जस्ट चेंज करके हम लोग आए थे, अब लाइन नंबर 1 लेंगे। 1 से अब हमारा जो स्टेशन है हुकियांग बे, उस पर जाके रुकेंगे, बिकॉज हुकियांग बे के 4 स्टेशन है, हुकियांग बे नॉर्थ, हुकियांग बे साउथ, इस तरीके से है, काफ़ी सारे रोड हैं, तो अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तो ये मेट्रो तो मुझे खाली खाली सा लग रहा है। अरे खाली करवाया भाई, तूने खाली करवाया? अच्छा, कैलाश ने इसको खाली करवाया तब जाके खाली हुआ मेट्रो। इधर से देखो, मैं दिखा रहा था ना गार्ड रहते हैं वो सामने, वो बंदा रहा ना, हर मेट्रो में इस तरीके से आपको 3-4 गार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये आंटी बैठी है, ये भाई साहब फोन में लगा हुआ है, ये आंटी फोन में लगी हुई है, ये भाई साहब भी फोन में लगा हुआ है। यहाँ पे जिसको देखोगे ना वो फोन में लगा मिलेगा आपको, फोन, बस फोन ही फोन। आप लोग जैसे ही मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलोगे, ये पीछे मेट्रो स्टेशन है, जैसे ही बाहर निकलोगे आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह भी, आप लोग कुछ खाना पीना चाहो तो। कैलाश की जीभ लपलप आ रही है, कैलाश की जीभ लपलप आ रही है, बोल रहा रोटी खा के जाने। 1 how much 8 8 की है भाई। भाई ये इसको पता क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं, ये जो ये है ये 6 है, और जिसमें भी मीट घाल रही है वो देखना, वो पता नहीं क्या क्या माल के दे रही है, माल घाल के दे रही है, नॉन वेज घाल के दे रही है। कैलाश मुझे अभी कुछ पता नहीं क्या खिलवाता अभी, नो कैलाश को भूख लग रही थी तो मुझे कुछ बकरा वकरा खिलवा देता अभी, खाया पिया क्या बोल रहा, सूख गया तू? हाँ भाई कैलाश सूख गया आने के बाद। कैलाश बोल रहा था जब मैं आया था, जब मैं 90 किलो का था, अब सिर्फ 70 किलो का बचा हूँ, ऐसा 78 था मेरा वेट, अब 70 बचा, 8 किलो घट गया, 8 किलो घट गया, आप देख लो, मतलब इतनी भागम भाग लग रही है चाइना में। और
गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ, शेंजन को सिलिकॉन वैली बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स छोटे छोटे जो डाइड वगैरह रहते हैं ना, ये आपको डाइड वगैरह ये सब मिल जाएंगे, और ये स्विचेस है तो जो अपन लोग स्विचेस यूज करते हैं सारे स्विचेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग क्या बड़ी डीलिंग करते हैं, छोटी मोटी डीलिंग नहीं करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस चला रखा है ये जो पूरा है ना यहाँ पे, शायद डाइड वगैरह ये सब का बिजनेस है पूरा। लोगों की नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि शेंजन के अंदर फीमेल रेशियो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन अराउंड 18 मिलियन के आसपास है, लेकिन जो फीमेल का रेशियो एज कम्पेयर टू मेल वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसलिए जितने भी शॉप आप लोग देखोगे ना, उन शॉप्स में आप लोगों को लड़कियाँ ही देखने को मिलेंगे, लड़के कम मिलेंगे देखने। यहाँ पे आप लोगों को पुराने लैपटॉप ये सब भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखो, ये कार्बन का है, i7 प्रोसेसर मिल जाएगा, 8 GB मिल जाएगा, 256 GB SSD मिल जाएगी, और ये कितने का बता रहा है, 1400 yuan का आई थिंक। तो ये पुराने लैपटॉप मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पे, आप लोग अगर पुराने लैपटॉप लेना चाहते हो तो पुराने लैपटॉप मिल जाएंगे। मंडी से यहाँ पे पूछता हूँ कि इनका प्राइस ये सब हम लोगों को कितना क्या देखने के लिए मिलेगा। एक्सक्यूज मैम, कैन यू टेल मी दिस प्राइस, दिस वन दिस वन यहाँ पे आप ₹1600 कौन सा वाला, 1600 yuan का है ये वाला, आई ये लेनोवा का है ना, i3 प्रोसेसर है, 8 GB है, 256 GB SSD है, पुराना हो गया है i3 तो भाई, i6 का, i7 है, i7 है, 1600 yuan का ये है जो 1600 yuan का है, 1600 yuan इसका देखो भाई स्पेसिफिकेशन, 1500 yuan, ये 1500 yuan का है, तो 1500 yuan कितना होगा, 20,000 के आसपास, हाँ इंडिया में ही मिल जाएगा, हाँ 20,000 के आसपास है। यहाँ पे पुराने लैपटॉप बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को, यहाँ पे पूरा हब है भाई। ये देखो हार्ड डिस्क ये सब मिल जाएगा, अगर आप लोगों को हार्ड डिस्क ये सब लेनी है ना, तो गाइस ये जो लैपटॉप है ना ये कैलाश के पास है। तूने नया कितने का लिया था ये वाला? मैंने यार इंडिया से लिया था 1,22,000 का, और ये दुबई में था 95,000 के आसपास, 14 इंच चाहिए, 13 पॉइंट कुछ है ये, 13 पॉइंट कुछ है ये। मैडम हम लोगों को कितना प्राइस बता रही है, 4,000 के आसपास, 4,200 yuan ये मैडम हम लोगों को 4,000 yuan के आसपास बता रही है, जो कि अराउंड अपने 48,000 के आसपास रहता है। तो सेकंड हैंड है, पता नहीं कितने साल पुराना, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड दिस वन, हाउ मेनी ईयर्स, 2018 मॉडल है ये भाई, 2018 मॉडल है, तो कोई फायदा नहीं है इसको लेने का, इट्स बिट एक्सपेंसिव बिकॉज न्यू वन इज लाइक अराउंड 80,000 to 90,000 बिकॉज ही हैड दिस वन ही हैड, ही बॉट न्यू 90,000 ओके इट्स ओके भाई। यहाँ पे तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक हब है पूरा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे लैपटॉप मिल जाएंगे, लैपटॉप से रिलेटेड गैजेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। चाइनीज माल है जो बंद हो गया, बंद हो गया देख अभी ऑपरेशन करेगा तू देख, दुआ भी तोड़ ताड़ के परे करेगा इसको चलाएगा तोड़ दिया। गाइस इस जगह का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इतना बड़ा है ना, यहाँ पे कम से कम 5 से 6 जो बिल्डिंग है ना, उनमें सिर्फ आप लोगों को इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक दिस इज अ कैमरा, ओके तो भाई देख लो ये कितना छोटा सा कैमरा, इसमें मेरी शक्ल भी दिख रही है देखो, और सेम इस तरीके से आप लोगों को अगर घर के लिए चाहिए ना सिक्योरिटी कैमरा, तो सो दिस वन इज कनेक्टेड विद वाईफाई, आई कैन कनेक्ट माई फोन ऑल्सो, ओके भाई यहाँ पे मेमोरी डाल के ना आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और ये 180 डिग्री भी रिकॉर्ड करता है, मतलब ये जो कैमरा है ना आपका 180 डिग्री रिकॉर्ड करता है, और जो आंटी है ना ये फोन से कनेक्ट करवाएंगी इसको, ये देखो वाईफाई से कनेक्ट करवाया, इतना क्यूट सा कैमरा है भाई, बहुत क्यूट सा कैमरा है ये, कौन सा कैमरा है ये, वो गोप्रो का है ना, गोप्रो नहीं है,
4K अल्ट्रा एच डी, इसमें कोई प्राइस नहीं है, कोई ब्रांड का नाम नहीं है, मतलब चाइनीज। अभी आप लोगों को प्राइस वगैरह बता देंगे कि कितने क्या प्राइस मिलता है। और आप लोगों को एप्पल वॉच की फर्स्ट कॉपी देखने के लिए मिल जाएगी, एप्पल वॉच की फर्स्ट कॉपी है यहाँ पे। और जितने भी चाइनीज लोग हैं ना, बोले कि बिना पूछे हाथ लगाए, आंटी से मैंने पूछा। अच्छा, अभी देखो, अभी ये वाईफाई से कनेक्ट किया है ना, तो अब यहाँ पे आप लोग मेरी फेस देख पा रहे हो, ये देखो। अच्छा, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, देखो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस कैमरे की। ये मैं अपना फेस भी देख पा रहा हूँ अच्छा खासा। और ये कैलाश है मेरे बगल में, काम आता है भाई। ये घर में सिक्योरिटी कैमरे की तरह आप लोग रख सकते हो, 180 डिग्री एंगल देता है ये, काफ़ी सही है यार, बहुत सही है। नो हाउ मच प्राइस 200, मतलब ये है 2500 का। तो ठीक है यार, ज्यादा महंगा नहीं है। 2500 का यार मुझे कॉस्टली लग रहा है। 2500 का कोई खास ज्यादा महंगा नहीं है। 2500 का यार ये लास्ट प्राइस हाउ मच? नो, हम लोग बोला कि 100 के लिए बोला, मतलब 1000 के लिए, तो बोले नो। ये आंटी ने 180 लास्ट बोला है। नो इट्स टू मच, वेरी एक्सपेंसिव। गाइस, इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम में ना आप लोगों को जितनी भी वर्ल्ड की जो टॉप ब्रांड्स है ना, उनकी फर्स्ट कॉपी देखने के लिए मिल जाएंगी। सारी जगह आप लोगों को फर्स्ट कॉपी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ लेने की, जो मेरे को कुछ आइटम्स हैं जो मेरे दिमाग में है, देखते हैं कुछ अगर सिस्टम बैठ जाएगा तो। हेलो, दीज आर ओरिजिनल और फर्स्ट कॉपी? इंग्लिश। दीज आर फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल? नो हाउ मच प्राइस या ये एप्पल फर्स्ट कॉपी है सारी की सारी? ये भी यहाँ पे देखिए, बहुत समय की बात ना, एप्पल की फर्स्ट कॉपी मिलेगी सारी की सारी वॉच। 239 युआन की है ये, तो एप्पल की कॉपी लग रही है ये जो है ना, ये एप्पल की फर्स्ट कॉपी है एक्चुअली। एप्पल वॉच फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल? दिस वन एप्पल वॉच फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल? एप्पल वॉच ओरिजिनल? भाई ये मैडम से ना ट्रांसलेट करके पूछ रहा हूँ मैं, ओरिजिनल है या फर्स्ट कॉपी है? ये देखो, ये क्या है, ये सारे हैं। और यहाँ पे ड्रोन डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप लोगों को ड्रोन देखने के लिए मिल जाएंगे। आई डोंट नो ओरिजिनल है। ड्रोन का ही प्राइस आप लोगों को बताता हूँ, पहले ये एप्पल वॉच का प्राइस बताता हूँ, यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा। कॉपी, दीज आर कॉपी। ओके भाई, ये कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये जितनी भी आप लोगों को दिख रही है एप्पल वॉच। 1-1 ऑल 1-1। दिस वन इज फॉर आईज एक्सरसाइज, आई मसाज। ओके ओके, ये आई मसाज है सारा। एंड दिस वन इज फॉर नेक मसाज। ओके, व्हाट इज दिस? आई मसाज, नेक मसाज, पैक मसाज है। मसाज आई, आई एंड हेड। ओके, 428 363 एंड इफ आई बाय दिस इन बल्क हाउ मच लास्ट प्राइस यू कैन गिव? 100 आइटम, 145 आप, इफ आई इंक्रीज दैट प्राइस। ओके भाई, अभी ये मैडम है ना मेरे पीछे, ये ऐसे बोल रही है कि अगर हम लोग इसको बल्क में बाय करेंगे ना, 100 पीस खरीदेंगे ना तो 245 का पड़ेगा हमको, और अगर एक पीस खरीदेंगे तो अपने को अराउंड 425 के आसपास पड़ने वाला है। वाह यार, ये सही है, वो उससे ज्यादा अच्छा है ये वाला। भाई क्या चीज है ये, देखो बस ये लिखा है 298 यान का है अराउंड, ये स्पीकर।
This one has a stereo for you and the sound quality is better than this one. Guys, अगर आप लोगों को रोबोट चाहिए तो यहाँ पे रोबोट भी मिल जाएगा आप लोगों को, और यहाँ पे बहुत सारे ड्रोन, अगर ड्रोन चाहिए तो ड्रोन भी आप लोग ले सकते हो. काफी कुछ है यहाँ पे आप लोगों को लेने के लिए. ये आप लोग गिम्बल की मैं बात बताऊँ ना, अपने इंडिया में गिम्बल कितना का प्राइस रहता है, अराउंड 7000 के आसपास इनका प्राइस है, और ये नॉर्मल गिम्बल है. हाउ मच इज द प्राइस फॉर ऑल दिस? हाउ मच? 4000? 400? ओके, 400. तूने DJI Osmo 3 लिया था ना? DJI Mini 3. कौन सा इनमें से? ये मैंने लिया था 3 Pro, वहाँ पे मतलब दुबई से लिया था मैंने 90,000 का, जो उज्बेकिस्तान में मेरे से फ्रीज कर लिया गया था, क्योंकि उज्बेकिस्तान में ना फोन बैन है. हाउ मच इज कॉस्ट? तो गाइस अभी हम लोगों ने इसका DJI Osmo 3 का प्राइस पूछते हैं. दुबई में है ना, हम लोगों ने बाय किया था अराउंड 80,000 के आसपास, तो यहाँ पे देखते कितने का हम लोगों को प्राइस मिलता है. Tell me both of new one or old one? अभी देखते हैं प्राइस का क्या है. भाई ये जो नया DJI Osmo 3 है ना, 66,000 का पड़ रहा है. 66,000 का मतलब, और कैलाश ने दुबई से लिया था अराउंड 90,000 का पड़ा था. विद कॉम्बो हाउ मेनी बैटरीज? 2 batteries, राइट? 7700. ओके, दिस इज ओनली द 1 battery. ओके, हाउ मच इज कॉम्बो? 6700. यहाँ पे आप लोगों को ना सब अलग अलग तरीके के ड्रोन देखने के लिए मिल जाएंगे. ये DJI का, DJI Osmo का है, काफी बड़ा है. तो गाइस यहाँ पे आप लोग रोबोट भी ले सकते हो, ये देखो. तो दीज आर रोबोट, राइट? नो बा रोबोट. नो बा भाई, ये रोबोट ये ले सकते हैं, रोबोट वगैरह. सही है. अभी आप लोगों को मैं थोड़े मसाजर दिखाता हूँ. अगर आप लोगों को मसाजर चाहिए ना, ये आप लोगों को ना पैर की मसाज वगैरह करने के लिए, और ये आप नेक पे मसाज वगैरह ये सब कर सकते हो. एक्चुअली मेरे पास इंडिया में है ये. हाउ मच इज दिस? 380. बहुत कॉस्टली है. एक्चुअली इन इंडिया आई बॉट दिस इन 1000 INR, एंड दैट मीन्स अराउंड 100 yen. I have this. You have this one. Same model. Same model I have in India. I have same. Same model. This 100 yen. I can give you 100 piece. Keep no money. Same model. Actually, I don't know about this model, but exactly same I have. Something like this, same. So this one is last. How much you can give? This wholesale price, this one for the internet, 1,299. This one is plain. It's original. Original brand. Yeah. 1,200. This is 65. Okay. These are normal. I know these are normal. ये इस पे पता क्या होता है? इसको जैसे स्टार्ट करके यहाँ पे इसे मसाज कर लो इसके. हाँ, तो ड्यूरेबल बहुत ज्यादा मेरे पास है ना घर पे. ये भारी लग रहा है यार. ये वो है, थकान वकान हो जाए तो खुद से मसाज कर सकते हैं. No, 130. Okay. भाई कैलाश ने है ना ये मसाजर लिया अराउंड 130 yen का लिया है, जो कि अराउंड कितने का पड़ता है? 1500 yen का ना? नहीं, गलत तो नहीं लिया. Also, do you have warranty for this? 1 year warranty. Can you please tell me the price if we want this in bulk? Bulk price? In bulk price. If you want to buy in bulk, like 100 piece, 200, 500 piece, then what is the cost? Yes.
one piece now. Yeah, if you want to buy in bulk, then what will be price in bulk? If you want to buy like 100 piece, then what? And you can cost Yeah, bag भी दे दिया इसका साथ में. भाई कैलाश ने लिया है 130 युआन का, राइट? हाँ. 130 युआन का लिया है ये और अराउंड 1500 रुपए के आसपास पड़ा है ये इसको. भाई यहाँ पे गाड़ियाँ देखो कितनी जबरदस्त जबरदस्त. यहाँ पे आप लोगों को सारे ड्रोन मिल जाएंगे, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, खिलौने एक से एक मिल जाएंगे आप लोगों को. यहाँ पे जबरदस्त जबरदस्त खिलौने मिल जाएंगे यहाँ पे. और रोबोट चाहिए ना तो रोबोट भी मिल जाएंगे भाई साहब. इंग्लिश या डू यू हैव ट्रिमर समथिंग? ट्रिमर डू हैव ट्रिमर? ये देखो आपको बहुत सारे रोबोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे. ऑलमोस्ट जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए ना वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी. एप्पल की, एप्पल वॉच की फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी. और ओरिजिनल एप्पल वॉच लेना चाहते हो तो ओरिजिनल एप्पल वॉच ले सकते हो. चाइना में बहुत वियर्ड वियर्ड प्रोडक्ट्स हैं भाई. ये देखो यूनिवर्सल अडप्टर यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये देखो अपने इंडिया में जो यूनिवर्सल अडप्टर है ना उनका प्राइस आप लोगों को अराउंड 700 से 800 मिल जाएगा. मेरे पास जो यूनिवर्सल अडप्टर है ना लोकल सा है 800 का लिया था और ये 79 यान का है. 79 यान का मतलब अराउंड 800 साढ़े 800 रुपए का और बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई. मैं टच करके फील कर पा रहा हूँ. ये देखो यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट हर तरीके के मिल जाएंगे. अभी चाइना में इस तरीके के प्लग मिल जाएंगे वो अगर आप ऊपर करते हो ना. अब ये है, ये कोई और कंट्री का, मैंने पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा भाई. मैम से पूछता हूँ, मैम दिस वन इज हाउ मच लास्ट प्राइस? फिक्स्ड प्राइस, यू कांट मेक इट लेस. नो डिस्काउंट. इफ वी वॉन्ट इन बल्क हाउ मच? नो डिस्काउंट. रियली? बुल भाई, बुल कंपनी का है ये. कोई बुल कंपनी? या आई नो नंबर वन, बट इफ वी वॉन्ट टू इम्पोर्ट दैट टू इंडिया नो डिस्काउंट. इट्स फिक्स्ड प्राइस 79 फिक्स. भाई अभी हम लोग ये पंखा ले रहे हैं. स्पीड भी चेंज होती है, देखो आप लोग इससे स्पीड चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे स्पीड चेंज करने के लिए देखो ये स्पीड चेंज हो गया. तो आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के लिए बहुत सही है. ठीक है यार, ये ठीक है यार. जो भी है हिंदूदा हिंदूदा भाई मुझे क्या यार अपने फ़ोन के लिए ना स्टिक चाहिए. तो अभी मैं देखता हूँ जो अगर थोड़ा सा सिस्टम बैठ जाएगा ना तो ये लेंगे. पर ये बता रही है मैडम, बता रही है 170 है. एक का प्राइस अगर हम होलसेल में लेते हैं ना तो सिर्फ 70 का पड़ेगा ये होलसेल प्राइस. तो थोड़ा देखना पड़ेगा. तो भाई इसमें आप लोगों में दोबारा बताता हूँ, ये ब्लूटूथ है और ये ब्लूटूथ से चार्ज होता है. ये देखो ये ब्लूटूथ से चार्ज होता है और इसके 3 घंटे तक बैटरी चलती है कंटिन्यूस. आप लोग 3 घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे इसको चार्ज करके लगा सकते हो. बाकी ये यहाँ से बटन दबा के इसको ओपन कर सकते हो और ये 1.3 मीटर के आसपास है जो कि यार आप देख लो भाई, अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो ना तो 1.3 मीटर ठीक है भाई, काफ़ी दूर है ये. आप अगर टिकटॉक रील वीडियोस बनाना चाहते हो या टिकटॉक वीडियो बनाना चाहते हो, रील बनाना चाहते हो या फिर यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो ना उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है. पर्सनली ये देखो ना भाई काफ़ी बड़ा है, बहुत कंफर्टेबल है. हाँ काफ़ी बड़ा स्टैंड है ये. 10 मीटर से दूर खड़े हो ना तो आप लोग ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर सकते हो. ये देखो आप सिर्फ इसको साथ में लेके 10 मीटर के आसपास दूर चले जाओ और यहाँ से आप लोग इसको स्टार्ट भी कर सकते हो. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. कैलाश ये क्या है? केकड़ा है, केकड़ा. रॉकेट लॉन्चर के लिए भाई साहब, ये तो कोई खतरनाक टेक्नोलॉजी लग रही है. तो मुझे जबरदस्त लग रहा है. व्हाट इज दिस? म्यूजिक. ओके 688 इट्स टू एक्सपेंसिव मैम. 7000 का. एंड दिस वन? ओ माय गॉड 1100-1200 का ही. मैम दीज आर वेरी एक्सपेंसिव. भाई इसमें म्यूजिक प्ले हो रहा है. ये देखो इसके अंदर भी म्यूजिक प्ले हो रहा है और इसके अंदर भी म्यूजिक प्ले हो रहा है. ये देखो दोनों के अंदर म्यूजिक प्ले हो रहा है. ये 1200 का है. 1200 का मतलब है 13000 रुपये, 12000-13000 रुपये के आसपास. और ये भी अराउंड 7000 के आसपास है. भाई साहब खतरनाक है यार. भाई चाइना में क्या खास इन्वेंशन हो रखी है. इधर देखो ये सीट निकल रही है यहाँ पे. सो हाउ इट वर्क्स? हाउ इट वर्क्स एक्चुअली? यस यस.
underwater scooter. Yeah, underwater scooter. So we can hold this and we can run. Yes, right? Yes, yes. अच्छा, ये अंडरग्राउंड में हमको रिकॉर्डिंग भी करके देगा और हम लोगों को अंडरग्राउंड में अंदर लेके भी जाएगा. अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफी सही टेक्नोलॉजी है भाई. इट्स गुड. ओके, ये तो खुद ये आप लोगों को गन मिल जाएगी. ये गन जो है ना, ये पानी भर के वाटर गन, राइट? वी कैन रिफिल वाटर. भाई ये वाटर गन है, आप लोग यहाँ पे पानी रिफिल करके पानी खींच सकते, यहाँ पे इस तरीके से मार सकते हो. तो गाइस आप लोग एक कमाल की चीज दिखाता हूँ, एयर व्हील रोबोट. ये जो है ना, ये एयर व्हील रोबोट है. यहाँ पे आप लोगों को ये अगर दबाते हो ना, ये आगे जाएगा, और ये दबाते हो तो पीछे की साइड जाएगा. ये ब्रेक लग जाएगी इससे. अब आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ, ये काफ़ी स्ट्रांग है. ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग व्हील दे रखी है इन्होंने, बहुत स्ट्रांग ये दे रखा है. अब आप लोग इसको दबाओगे तो आगे जाएगा. भाई बहुत कमाल की चीज़ है यार, कुछ भी तो बहुत कमाल की चीज है. और अगर आप लोग ये दोनों दबाओगे ना, देखो पीछे जाएगा, ये देखो पीछे जा रहा है ये. पूरे इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ना सबसे जो बेस्ट चीज जो मुझे दिखी है ना, वो यही है भाई साहब. इतनी जबरदस्त चीज है ना ये एयर व्हील रोबोट. ये सबसे कमाल की चीज है. गाइस ये एयरपोर्ट्स लगाने के लिए मेरे कान में धसने लगता, मेरे मुंह पे लगाने के लिए. कमाल की चीज है भाई साहब ये. गाइस ये मार्केट विजिट करने में है ना, जो मजा आया है ना, मैं बता रहा हूँ पूरे चाइना में मजा नहीं आया. यहाँ पे ऐसे ऐसे गैजेट देखे जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में, इतने तगड़े तगड़े गैजेट नहीं देखे हैं. तो काफी अच्छा, हेलो, तो काफी अच्छा लगा यहाँ पे यार, बहुत सारे गैजेट देखे हैं. और अगर आप लोग यहाँ पे कोई बिजनेस करने आते हो तो आ सकते हो यहाँ पे. बस गाइज इस वीडियो में इतना ही था, बिकॉज बहुत लेंदी वीडियो हो गया. होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में. बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.